अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम हज़रत क़मर अली दरवेश अलैहि रहमत व रिज़वान के मुक़द्दस दयार में हाज़िर हुए हैं और हमने लाइव आपको हज़रत क़मर अली दरवेश अलैहि रहमत के बारगाह की ज़ियारत करवाई है। जो हज़रात नहीं देखे हैं, गुजारिश करूँगा कि वो चैनल पर जाकर देखें। हम दरअसल इस वक्त हाज़िर हुए हैं उस मस्जिद के पास कि जो एक अज़ीम मस्जिद भी है और साथ में यहाँ जो एक मंदिर मौजूद है, आप देख सकते हैं अपने आँखों से। लेकिन आपको मैं एकता की मिसाल बताऊं कि यहाँ पर गैर मुस्लिमों की आबादी भी काफ़ी तादाद में है और मंदिर भी यहाँ मौजूद है और साथ में मस्जिद भी मौजूद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी झगड़े फसाद के सारे लोग बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ पर अपनी अपनी जो काम करते हैं और सारी इबादतें अपने हिसाब से वो करते हैं। अब देखिए कि ये मस्जिद भी है, हनुमान मंदिर ये मौजूद है और साथ में आप देखिए उसके जस्ट बाजू में ही एक मस्जिद भी मौजूद है और इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा मुझे नमाज़ पढ़ने की सआदत भी मिली है। मैं यहाँ नमाज भी पढ़ चुका हूँ। तो आप देखिए कि मस्जिद और उसके फ्रंट पर मंदिर, कितनी खूबसूरत हिंदुस्तान की एकता की ये मिसाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ इस पूरे इलाके के लोग पूरे इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ सब लोग रहते हैं। मंदिर में जो यहाँ के गैर मुस्लिम हैं वो अपनी इबादत करते हैं, मस्जिद में जो मुसलमान हैं वो अपनी इबादत करते हैं। ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, ना कोई फसाद। ये खेड शिवापुर हज़रत क़मर अली दरवेश अलैहि रहमा के मज़ार मुबारक जहाँ पर है, ये वही इलाका है। और मैं आप तमामी हज़रात से कहूँगा कि ज़रूर भी ज़रूर आप यहाँ जब आएँ तो आप अपनी आँखों से ज़रूर भी ज़रूर इसकी ज़ियारत करें। आप देखिए, मैं चाहूँगा कि फिर से आप दिखाइए, हनुमान मंदिर यहाँ पर मौजूद है और उसके जस्ट सामने यानी आगे पीछे ही मस्जिद भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और सब लोग बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ रहते हैं, ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, ना कोई फसाद। तो ये है हमारे हिंदुस्तान की वो तारीख जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ पर लोग रहते हैं। हज़रत क़मर अली दरवेश अलैहिर्रहमा की जो मज़ार मुबारक है, वहाँ से आप लेफ़्ट में पीछे की तरफ से आएंगे और सीधा रास्ता पकड़ कर आप आएंगे तो आप सीधा रास्ते में आप देखेंगे कि मस्जिद और मंदिर दोनों मौजूद है। तो हमारी हाज़िरी यहाँ पर हुई थी तो मैंने चाहा कि आप तमामी हज़रात को यहाँ पर देखिए। देखिए हमारे बड़े साहबजादे मोहम्मद अहमद भी साथ में मौजूद हैं और हमारे दरअसल साथ में हमारे गांव के प्रधान जी और मौलाना फैज़ुर्रहमान अलीमी साहब और साथ में मौलाना अजहर अलीमी भी मौजूद हैं। तो इन सब के साथ हम हज़रत क़मर अली दरवेश की बारगाह में हाज़िर हुए थे। दरअसल यहाँ आने का मकसद यही था कि आपको मैं दिखाऊं कि हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है कि बड़ी मोहब्बत के साथ दोनों कम्युनिटी के लोग रहते हैं और अल्लाह के फजल व करम से आज तक यहाँ पर न कोई झगड़ा, न कोई फसाद है। तो आपने अपनी आँखों से देख लिया है। तो इंशाल्लाह जब भी आप हाज़िर होंगे तो ज़रूर यहाँ ज़ियारत के लिए हाज़िर होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके लिए एक ज़रूरी ऐलान है। अगर आप दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हैं तो आज ही अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाएं। आप फ़राइज़ अदा करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ें। अपनी ज़िंदगी में कम से कम 1,25,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसके लिए हमारे एक भाई ने एक एप्लीकेशन, इस्लामिक एप्लीकेशन काफिले दुरूद शरीफ ऐप लॉन्च किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह के फीचर मौजूद हैं, हत्ता कि आप डेली जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं डेली बेसिस पर आप इसे इंटर कर सकते हैं और उसे महफूज रख सकते हैं कि आपने एक दिन में कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ी है। इसके अलावा अगर आप किसी दिन दुरूद शरीफ पढ़े और इंटर करना भूल गए तो एक साथ 7 दिनों की एंट्री करने का ऑप्शन भी पाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई नमाज कज़ा है या आप कोई और वजीफ़ा करते हैं तो आप उसकी भी ट्रैकिंग इस ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में सिर्फ एक ही मोबाइल है तो एक ही मोबाइल फ़ोन में आप 4 से 5 अकाउंट बनाकर घर वाले जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं
उनके पढ़े हुए दुरूद को आप इसमें इंटर कर सकते हैं, उनके हुए पढ़े हुए वजीफे को आप ट्रैकिंग में ले सकते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन थाम लें। दुरूद शरीफ ये एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाती है। तो दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल लें और अल्लाह और उसके रसूल के साथ जुड़ जाएँ। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाह नबी गिल करीम।